अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही हेल्दी रेसिपी, जो कि है मटन और अरवी की ग्रेवी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज कट करके ले लिया था, और ये रेसिपी हम कुकर में बनाएंगे, क्योंकि मटन को गलाने में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए हम कुकर में इसको बनाएंगे। तो मैंने 2 चम्मच के करीब कुछ तेल ले लिया था, उसमें प्याज डाल दी है। फिर इसको मैं फ्राई कर लूँगी, और ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। सब्ज़ी यानी कि सब्ज़ी बहुत हेल्दी है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो के एंडिंग में मैंने स्क्रीन पे आपको बताया, तो आप ज़रूर देखिए पूरी वीडियो। ये देखिए प्याज हमारी हो चुकी है, उसमें मैं अदरक लहसुन पेस्ट डाल दूँगी। 2 चम्मच के करीब डाला है मैंने, मटन में थोड़ा ज़्यादा डालना रहता है इसीलिए। और अच्छे से फ्राई कर लेंगे इसको। और एक टमाटर लिया था बारीक कट करके, वो डाला है मैंने इसमें, ये देखिए। और बहुत ही कम मसाले डाले हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा ये रेसिपी और ट्राई कीजिएगा। हल्दी पाउडर डाला है 1/2 चम्मच, और नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। ये देखिए लाल मिर्च पाउडर डाला है मैंने 1 चम्मच के करीब, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाला था मैंने 1 चम्मच। मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा आप, और अच्छे से पका लेना इसको। मिर्च का स्मेल जाने तक के पकाना है हमको। और ये देखिए गरम मसाला डाला 1/2 चम्मच। गरम मसाले की भी रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप जाके देख लेना, बहुत अच्छा मसाला बनता है। तो वो मैंने डाला है इसमें, और अच्छे से एक बार मिला लेंगे। और ये मटन मैंने अच्छे से वॉश करके ले लिया था, ये मैंने 500 ग्राम कुछ लिया था, वो मैंने इसमें डाला है। अच्छे से वॉश कर लेना पहले, फिर इसमें डालना है पानी ड्राई करके उसको। ये देखिए सब मिला लिया है, और पानी थोड़ा सा मैंने इसको पकने के बाद ही नमक डाला है, तो नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। मैंने 1/2 चम्मच ही नमक डाला था, और अच्छे से एक बार फिर मिला लेंगे। और पानी डालकर हम इसको कुकर बंद कर देंगे। पानी भी मैंने 1 कप ही डाला था, ज़्यादा पानी नहीं डाला था। तो ये देखिए मैं कुकर लगा दूँगी, और 3 से 4 सीटी के बाद आप एक बार चेक कर लेना क्या मटन हमारा हुआ न या नहीं। ये देखिए मटन हो जाए, उसके बाद इसमें दही डालना है। दही मैंने इसलिए पहले नहीं डाला, क्योंकि अगर मटन में पहले दही डाल दोगे तो वो गलेगा नहीं, इसके लिए बाद में डाला था मैंने। 1/2 कप के करीब कुछ था। दही की रेसिपी भी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, आप जाके देख लेना। ये देखिए दही डालने के बाद थोड़ा मिला लेना है। उसके बाद मैंने हरा धनिया डाला था बारीक कट करके, और ये सब मिला लेंगे। उसके बाद जो हमारी सब्ज़ी है वो डालेंगे हम इसमें, वो मैंने अच्छे से वॉश करके कट करके ले लिया था। कुछ मैंने 1/2 किलो, 300 ग्राम या 250 ग्राम कुछ ली थी मैंने, तो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हो। ये देखिए ये ऐसे दिखती है, अगर किसी को पता नहीं है, और इसको अरबी बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये मैं इसमें डाल दूँगी, और अच्छे से एक बार फिर मिला लेंगे। खाने में बहुत टेस्टी लगती है, आप ज़रूर, अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और 1 सीटी और लगा लेंगे इसको गलाने के लिए। वैसे गल जाती है, लेकिन मैंने इसको 1 सीटी दे दी थी। ये देखिए हो चुका है हमारा मटन रेडी, और कितना अच्छा कलरफुल लग रहा है, देखा आपने? तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और रेसिपी अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये इसके बेनिफिट मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देख लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।